हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरा चैनल अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके लिए नई ग्राफ्टिंग की या जो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर से मैं डालूँ वो आप तक पहुँचे। तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं ग्राफ्टिंग जो है मैंगो ग्राफ्टिंग, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं जो विषय आपके लिए लेके आया हूँ बर्ड ग्राफ्टिंग ऑन मैंगो है। तो बर्ड ग्राफ्टिंग मैंगो पे भी सक्सेस होती है। जनरली मैंगो पर बर्ड ग्राफ्टिंग बहुत कम प्रमाण में की जाती है, और जो ग्राफ्टिंग की जाती है मैंगो पे वहाँ कोई कलम साइड ग्राफ्टिंग की जाती है, बार्क ग्राफ्टिंग की जाती है जिसे छाल कलम कहते हैं, और वी ग्राफ्टिंग। तो इस प्रकार की बहुत सारी ग्राफ्टिंग मैंने अपने वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर चुकी है। तो आज मैं यह जो अंकुर कलम जिसे कहते हैं बर्ड ग्राफ्टिंग, इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जनरली यह सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, उत्तर भारत, इन एरियाज में यह बर्ड ग्राफ्टिंग नहीं की जाती। उसका एक में कारण यह है कि बर्ड ग्राफ्टिंग के लिए एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, और मॉइस्चर अगर जो एटमॉस्फेयर में रहता है तो वहाँ जो अंकुर रहता है आपका वहाँ हरा रहता है और जुड़ने में जल्दी मदद होती है। तो जो नई जो पेरेंचाइमा सेल रहती जो ज्वाइन करने के लिए, वहाँ पेरेंचाइमा सेल जनरली आम के जो बर्ड ग्राफ्टिंग में उतनी स्पीडली तैयार नहीं होती। उसका एक में कारण यह है, और जैसे गुलाब की ग्राफ्टिंग है जिसमें बर्ड ग्राफ्टिंग, तो उसमें पेरेंचाइमा जो सेल्स है ज्वाइनिंग के लिए वहाँ स्पीडली तैयार होती, इसलिए गुलाब में जनरली बर्ड ग्राफ्टिंग अधिक प्रमाण में गुलाब में बर्ड ग्राफ्टिंग ही की जाती है। बेर में भी ऐसी पेरेंचाइमा सेल बहुत जल्दी तैयार होती है जो ज्वाइनिंग का काम करती है, इसलिए बेर के भी इसमें पैच ग्राफ्टिंग हो, टी ग्राफ्टिंग हो, आई ग्राफ्टिंग हो, तो इस प्रकार की ग्राफ्टिंग की जाती है। और आम में सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, वी ग्राफ्टिंग जो कहते हैं, उसका चलन बहुत ज़्यादा प्रमाण में। तो यह जो बर्ड ग्राफ्टिंग है, जनरली आप देखते जाइएगा जो यहाँ चित्र जो है, यहाँ बर्ड ग्राफ्टिंग देखिएगा, वहाँ जो मैं दिखाना चाहूँगा आपको, यहाँ बर्ड है। तो इस प्रकार बर्ड ग्राफ्टिंग जो है केरला साइड या पश्चिम बंगाल साइड, इसका चलन नर्सरीज में होता है। वैसे इसका फ़ायदा यह है कि बर्ड आप एक स्टिक में अगर 10 सेंटीमीटर का अगर से आपका स्टिक है मैंगो का, तो उसमें 10 सेंटीमीटर के इसमें लगभग 6 से 8 अंकुर आपके निकल जाते हैं। तो इसमें फ़ायदा यह है कि कम से कम मैंने स्टिक में आपका ज़्यादा से ज़्यादा पौधे तैयार हो जाते हैं। और जो लकड़ी वाला जो सिस्टम है, जो कोई कलम में किया जाता है जिसमें सायन लाते हैं हम 10 से 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का, उसमें बहुत ज़्यादा प्रमाण में पेड़ का जो पेड़ की टहनियाँ हैं वो ज़्यादा प्रमाण में इस्तेमाल होने के कारण आपका नुकसान भी होने के चांसेस रहते हैं टहनी इस्तेमाल करने के कारण। तो अगर बर्ड ग्राफ्टिंग अगर से आप पॉली हाउस में करते हैं, तो आप कम से कम छोटे से छोटे पौधे में आप अधिक प्रमाण में सिंगल बर्ड लेके आप ग्राफ्टिंग करके आपका प्लांट जो है, यानी जिस प्लांट से आप कलम लाते हैं पसंदीदा आम, उसकी आप कम से कम छटाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक फ़ायदा ये है इसका बर्ड ग्राफ्टिंग का। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर अगर आपको करना है तो छोटा सा आपको पॉली हाउस तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद में उसमें बर्ड ग्राफ्टिंग करने के बाद में उसके अंदर रखना होगा। अब दोस्तों, भाई बर्ड ग्राफ्टिंग आम का कौन से सीजन में करना चाहिए,
तो यहाँ जनरली आपको जुलाई अगस्त माह में करना चाहिए, बशर्ते उसे पानी ना लगे बड को। और कम्प्लीटली आपको वाइंड करना है, जिस प्रकार जैकफ्रूट में जो फनस जो कहते हैं, कटल कहते हैं, इसमें मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड वीडियोस है ऑलरेडी। तो उसमें हम क्या करते हैं, अंकुर फिट करने के बाद में उसे कम्प्लीटली पॉलीथीन लपेट देते हैं और 20 से 25 दिन के बाद खोल के, अगर वह हरी है तो फिर से उसे हम फिर से लपेट देते हैं अंकुर खुला छोड़ के, और ऊपर का पार्ट जो मेन प्लांट का है वो कट कर देते ताकि बड तक पूरा फूड मटेरियल पहुँचे। अब इसके बाद में आपको प्रिकॉशन कौन कौन सी लेनी है, बड हरी है आपकी और आपने डबल से वाइंड कर दिया है, बांध दिया है उसे अंकुर खुला छोड़कर, तो जो मूल पौधा जो है आम का, वह जो एक वर्ष का हमने सिलेक्ट किया, एक से दो वर्ष का जिस पे हमने बड ग्राफ्टिंग की है, तो उसकी जो अदर ब्रांचेस जो निकलती है दूसरे पार्ट से, उसे बढ़ने नहीं देने का है। जो हमने कलम का जो भाग है, जो अंकुर फिट किया है, उसे ही बढ़ने देने का है। तो इस प्रकार देखिएगा, यहाँ लगभग ओपन एटमॉस्फेयर में करने के कारण यह 4 माह बाद में निकल रहा है यह अंकुर, तो यहाँ इसका डीमेरिट है ओपन एटमॉस्फेयर में। तो मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पे बड ग्राफ्टिंग आम पे सक्सेस होता है कि नहीं होता है, यह आपको मैं बताने के लिए ही यह प्रयोग किया मैंने। मैं आपको ये कहना नहीं चाहूँगा कि आप यह कीजिएगा करके, लेकिन करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप पॉली हाउस नुमा अगर से कोई शेड बनाते हैं और उसमें अगर करते हैं रेनी सीजन में, तो आप कर सकते हैं और आप अपने तौर पर प्रायोगिक तौर पर इसे आजमा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है कि भाई आम का फ्रूटिंग, बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर यहाँ ग्राफ्टिंग किस सीज़न में की जाती है, तो जनरली रेनी सीज़न में किया जाता है। तो रेनी सीज़न इंडिया में कौन से मंथ है, तो जून का सेकंड वीक से लेकर आप अक्टूबर माह तक कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर से बेस्ट सीज़न बोलोगे, बेस्ट मंथ, तो जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने बहुत ही ज़बरदस्त बेस्ट है आम की ग्राफ्टिंग के लिए। तो आप जो मन पसंदीदा आम है उसकी टहनी लाइए, वहाँ भी बड ग्राफ्टिंग के लिए स्पेशल बताना चाहूँगा। अपने सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग के लिए मैं बता चुका हूँ कि 8 से 10 माह पुरानी चाहिए सायन जो करते हैं लकड़ी, लेकिन अगर से आप पॉली हाउस में करते हैं तो 3 माह से लेकर 1 साल तक की ब्रांचेस आप फिट कर सकते हैं अगर पॉली हाउस है तो। लेकिन ओपन एटमॉस्फेयर विदाउट पॉली हाउस अगर करते खुले इसमें समझो, तो आपको यहाँ जो ब्रांचेस है बड ग्राफ्टिंग के लिए आपको 3 माह से लेके 5 माह पुरानी ब्रांच चाहिए, जिसके जिसमें अंकुर ऐसे फूले हुए हो। अगर ना हो तो आप ब्रांच को कट करके रख दीजिएगा, आपकी ब्रांच 15-20 दिन के बाद में अंकुर फूल जाएंगे, उस वक्त आप इसका कलम आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे फ्रूटिंग कब लगेगा, तो दोस्तों बड ग्राफ्टिंग हो या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग हो, इसका फ्रूटिंग आपको लगभग 2 से 3 साल के बाद में मिलेगा। लेकिन आपको एक बताना चाहूँगा, आम बड़ा पेड़ हो या छोटा पेड़ हो, उसकी ब्रांच लगभग 10 से 12 माह पुरानी हो तभी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लगेगा। थैंक यू।